जादुई सेब में चॉकलेट। कुछ सालों पहले बसे एक खूबसूरत से परीलोक में एक नायरा नाम की जादूगरनी रहती थी। वह जादूगरनी हमेशा सबकी मदद किया करती थी, इसीलिए सभी गरीब और लाचार उसके पास मदद मांगने के लिए आते थे। एक दिन एक प्रिया नाम की परी उस जादूगरनी के पास आती है और उससे कहती है, नायरा जादूगरनी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं सेब बेचने का काम करती हूँ। मैंने सेब के पेड़ लगाए हुए हैं और मेरे पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता है, क्योंकि मेरे पेड़ों में सेब अच्छे लगते हैं, इसीलिए मेरे सेब ज्यादा बिकते हैं और वह व्यक्ति भी सेब बेचता है। मेरे सेब अच्छे होने के कारण लोग मेरे ज्यादा सेब खरीदते हैं और उसके कम, और इसीलिए वो मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैंने सेब बेचने बंद नहीं किए तो वो मेरे सारे सेब के पेड़ बर्बाद कर देगा। अब मैं क्या करूं? अगर उसने मेरे पेड़ों को बर्बाद कर दिया तो फिर तो मैं सेब नहीं बेच पाऊंगी ना, और मुझे दो वक्त का खाना तक नसीब नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो, उसे जो भी करना है ना वो करने दो। अब ये क्या कह रही है? उसकी चिंता तुम मत करो, कल तुम ठीक इसी समय यहाँ आ जाना। ठीक है। फिर प्रिया परी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। घर जाकर वह देखती है कि उस व्यक्ति ने उसके सारे सेब के पेड़ तोड़ दिए थे। वह उस व्यक्ति से कुछ कहती उससे पहले ही वह बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तूने अपने सेब बेचने बंद नहीं किए ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। प्रिया परी को जादूगरनी की कही हुई बात याद आती है कि उसे कुछ भी नहीं करना है, तो वह चुपचाप अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरे दिन ठीक उसी समय प्रिया परी उस जादूगरनी के पास जाती है। आपने इसी समय मुझे आने के लिए कहा था ना, अब बताइए हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, ये लो, ये एक जादुई सेब है। तुम्हारे जाने की बात मैं इसे ही लेने के लिए गई थी। अब तुम इस जादुई सेब को लेकर जाओ। तुम इसे ले जाकर जिस भी जगह पर रखोगी तो यह सेब एक विशाल सेब के रूप में बदल जाएगा और इसमें ढेर सारी चॉकलेट्स लगी होंगी, और तुम इसमें से जितनी चाहो उतनी चॉकलेट तोड़ लेना और तुम उन्हें बेचकर काफी अमीर बन सकती हो। पर चॉकलेट बेचने से मैं अमीर कैसे बन पाऊंगी? चॉकलेट तो इतनी ज्यादा नहीं बिकेगी ना। वो चॉकलेट को साधारण चॉकलेट नहीं बल्कि जादुई चॉकलेट होंगी। जो भी उन्हें खाएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, उसके बाद वह कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। सच में? फिर तो ये सच में, ये जादुई से बहुत ही कमाल का है। मैंने सुना था कि आप सबकी मदद करती हैं और आज देख भी लिया। फिर प्रिया परी उस सेब को लेकर अपने घर जाती है। फिर जैसे ही उस सेब को रखती है तो वह एक विशाल सेब के रूप में बदल जाता है और उसमें ढेर सारे चॉकलेट्स लगे हुए थे। ये देखकर वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जलने लगता है और उन चॉकलेट्स को तोड़ने के लिए उस जादुई सेब के पास आता है। पास आकर वह चॉकलेट तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसे बिजली का जोर का झटका लगता है और वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। रानी परी की शादी का जादुई लहंगा। परीलोक में रानी परी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी को परीलोक की रानी बना दिया जाता है। रानी परी की बेटी हीर दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, पर बदकिस्मती से उसका एक हाथ नहीं था। इसी वजह से सभी परियां हीर परी को अपनी रानी परी नहीं मानना चाहती थी। पर जब वह रानी परी बन ही गई थी तो अब वह भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। हीर परी का एक हाथ ना होने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि खाना खाने में, कोई सामान उठाने में या फिर किसी के सामने आने में। एक दिन हीर परी अपनी दादी के पास जाती है। बेटा, अब तुम रानी परी बन ही चुकी हो तो तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। भले ही तुम्हारा एक हाथ नहीं है पर फिर भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो।
तुम्हें अपने जीवन से निराश नहीं होना है। दादी, अब मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। आपको पता भी है पेट पीछे परियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं? उनका कहना है कि मेरा एक हाथ नहीं है, इसी वजह से मुझे रानी परी भी नहीं बनना चाहिए था। बताइए, अब मैं क्या करूँ? मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। खीर परी अपनी दादी के कहे अनुसार ही सारे कार्य करती है और फिर धीरे धीरे वह परीलोक की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है। देखो, मैंने कहा था ना तुम सब संभाल लोगी, अब तो सभी परियां तुम्हारी तारीफ भी करती हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, और वो ये है कि तुम्हारा एक हाथ ठीक हो सकता है। यहाँ से दक्षिण की तरफ तुम्हें एक फूलों का वन मिलेगा, वहीं तुम्हें एक जादुई ड्रेस मिलेगी। तुम उससे सच्चे मन से प्रार्थना करना और अपना हाथ ठीक होने के लिए कहना, वह जरूर तुम्हारा हाथ वापस ला देगी, पर वह जगह बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें संभल कर जाना होगा। दादी, अगर मेरा हाथ अब ठीक ना भी हो फिर भी अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर आप इतना कह रही हैं तो मैं कोशिश तो करके देखूंगी ही। तुम अभी जाने के लिए तैयार हो जाओ। खीर परी अपनी दादी के बताए हुए रास्ते पर जाती है और कुछ समय के बाद वह फूलों के वन में पहुंच जाती है। वह जादुई ड्रेस कहाँ होगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा। वह उस जादुई ड्रेस को काफी खोजती है। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उसे वह जादुई ड्रेस मिल ही जाती है और फिर उस जादुई ड्रेस को सारी बातें बताती है और काफी प्रार्थना भी करती है। ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ वापस लाने के लिए तैयार हूँ, पर वह हाथ एक जादुई हाथ होगा, इसीलिए वह बहुत ही शक्तिशाली होगा, पर तुम कभी भी उस जादुई शक्ति का गलत के लिए इस्तेमाल मत करना। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगी। वह जादुई ड्रेस हीर परी का एक हाथ वापस ला देती है। अपने दोनों हाथों को देखकर हीर परी बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।